प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। यूपी की राजधानी लखनऊ में अचानक हुई गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वक्त गुजरा तो पता चला कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष पर दिन दहाड़े हमलावरों ने फायरिंग की। हादसा बुधवार का है। हालांकि सांसद के बेटे फिलहाल खतरे से बाहर हैं और अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ रितु सुमन। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब सांसद के बेटे 30 वर्षीय आयुष लखनऊ के मड़ियाव इलाके में थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर गोली चलाई। हिरासत में लिए गए आयुष के साले आदर्श ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। उसने बताया कि भाजपा सांसद के बेटे आयुष ने खुद पर गोली चलवाई है। आपको बता दें कि इसमें 5 लोगों को फंसाने की साजिश भी थी। फायरिंग करने की प्लानिंग देर रात की गई थी। पुलिस पूछताछ में आयुष के साले ने इस बात को कबूल किया है। आपको बता दें कि आयुष ने पिछले ही साल अपनी मर्जी से शादी की थी। हालांकि आयुष अपनी पत्नी से अलग रहते थे। उसने कुछ लोगों को फंसाने के लिए अपने साले से खुद पर गोली चलवाई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि सांसद ने अपने बयान में कहा था कि उनके बेटे ने गोली चलाते हुए किसी को नहीं देखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिन दहाड़े हुए इस हमले में सुरक्षा व्यवस्था में हुई लापरवाही जिम्मेदार है या सोची समझी साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभातखबर.com के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।